सेशन जबरदस्त सेशन है, और हो सके तो आप अपनी डायरी पेन लेकर अपनी ये आज की टेक्निक जरूर लिखें और समझे, और आने वाले दिन में आपकी नेटवर्क में अभी तक जो भी दिक्कत आ रही है और जो भी आने वाले दिन में आप आने वाले दिन में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में जो भी आपके अंदर चैलेंजेस आएगा, उस चैलेंजेस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। तो आप और उनके बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस पैनल में कॉल करना चाहूंगा हमारे अपकमिंग डायमंड पर्सनालिटी मिस्टर जीवन छेत्री सर को, एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। वेलकम जीवन सर, आगे की सेशन के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल में। थैंक यू ज्ञान सर, थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि मैं आज का सेशन शुरुआत करूं, मैं माँ गुरु जी अविनाश सर का आशीर्वाद लेना चाहूंगा, उनसे इजाजत लेना चाहूंगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। और आज इस पैनल पे आज जितने भी हमारे साथी है रॉयल क्रांतिकारी टीम के जाबाज योद्धा, आप सभी को आज इस पैनल पे मैं स्वागत करना चाहता हूँ, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज सारे लोग जानते हैं आज सैटरडे है, और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि दोस्तों आज हम और आप मिलकर सीखने वाले हैं इनविटेशन के बारे में, जो कि इस बिजनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनविटेशन। रॉयल क्रांतिकारी टीम की ओर से आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। हमारे सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो कि वर्ल्ड क्लास सिस्टम और हमारी वर्ल्ड क्लास कंपनी शेफ शॉप की तरफ से मैं आप सभी को आज के इस इन्विटेशन सेशन के अंदर मैं स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं हाउ टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इफेक्टिवली। आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि हम और आप लोगों को किस तरीके से इनवाइट करें। ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, काम करना भी शुरू करते हैं, लेकिन जब लोग अपने गेस्ट को इनवाइट करने की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, उनका इन्विटेशन पे रिजल्ट नहीं आता है, और ज्यादातर उनके गेस्ट प्लान तक नहीं पहुंच पाते, या तो वो प्लान दिखाने के लिए उनको इनवाइट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस में थोड़ा दिक्कत रहती है और बिजनेस थोड़ा स्लो चलता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम और आप इस टेक्निक को अगर सीख जाए कि लोगों को आखिर इनवाइट कैसे करना है, उसकी टेक्निक क्या है, किस तरीके से आप लोगों को इनवाइट करेंगे अपने बिजनेस प्लान के लिए, अगर ये चीज आपने सीख लिया तो दोस्तों ये बिजनेस करना आपके लिए और आसान होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्लान में लेके आ पाएंगे। तो आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारे विजनरी डायरेक्टर्स के बारे में, हमारे पांच पांडवों के बारे में दोस्तों, जिनके बारे में अगर हम बात ना करें तो ये सेशन हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों आज जिनकी वजह से हमको और आपको मौका मिला, आज इस पैनल पे हम और आप जुड़े हुए हैं, और एक सपना लेके आज हम इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे, अपना कैरियर बनाने के लिए हम सोच रहे, तो आज ये हमारे पांचों महान लोगों की वजह से आज ये हो पा रहा है, जो कि हमारे कंपनी के विजनरी डायरेक्टर से, सबसे पहले हमारे ऑपरेशन डायरेक्टर है मिस्टर रजत वर्मा, फिनेंस डायरेक्टर है मिस्टर हरीश सोंदी, टेक्नोलॉजी डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ सहगल, मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर राजू आनंद, एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर मिस्टर राजपाल अरोड़ा। मैं चाहता हूँ हमारे ये पांचों डायरेक्टर्स के लिए अभी तक की एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां, थैंक यू। और दोस्तों, आगे हम बात करेंगे हमारे मेंटर्स, हमारे महागुरु जी, हमारे मार्गदर्शक, आज जिन लोगों के माध्यम से दोस्तों आज हम और आप आज इस पैनल पे है, और आज कहीं ना कहीं हम और आप इस पैनल के अंदर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे महान मेंटर्स की वजह से। सबसे पहले बात करना चाहेंगे हमारे महान लीडर, टॉप लीडर मिस्टर राजीव चतुर्वेदी, महागुरु जी मिस्टर संजय जैन, महागुरु जी मिस्टर ओम प्रकाश सर, और महागुरु जी नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह मिस्टर नरसी ग्रेवाल सर, महागुरु जी रॉयल स्टार टीम के, रॉयल स्टार टीम अचीवर्स के कैप्टन मिस्टर महागुरु जी डीवीआर मूर्ति साहब, और महागुरु जी मिस्टर सनाम साहब, महागुरु जी नवल साहब, महागुरु जी योगेश साहब, महागुरु जी रवि साहब, एंड हमारे महागुरु जी रॉयल क्रांतिकारी टीम के फाउंडर लीडर मिस्टर अविनाश अधिकारी। मैं चाहता हूँ हमारे सारे मेंटर्स, हमारे सारे मार्गदर्शक के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां, थैंक यू। और दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इनविटेशन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम और आप बात करने वाले हैं दोस्तों, ये टॉपिक हमारे इस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स
अगर इनविटेशन करना अगर कोई भी इंसान इस बिजनेस के अंदर आके सीख जाता है, तो दोस्तों जो इंसान इनविटेशन करना सीख जाता है उसके लिए बिजनेस और आसान हो जाता है। तो आज हम और आप बात करने वाले इनविटेशन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले इनविटेशन का मतलब हमको और आपको पता होता है, इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण करना, इनवाइट करना। और दोस्तों ये इनविटेशन करना कोई नई चीज नहीं है, आपको भी पता है दोस्तों जब हमारे घर में शादी पार्टी पूजा कोई भी हमारे घर में कोई भी इवेंट होता है, कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, उस समय भी कहीं ना कहीं हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो दोस्तों उस इनविटेशन और इस इनविटेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक ही फर्क है दोस्तों, उस इनविटेशन पे हम क्या करते हैं, लोगों के घर में जाके उनको इनविटेशन कार्ड के माध्यम से उनको हम इनवाइट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने क्या करना है, लोगों के घर पे जाके इनविटेशन कार्ड के माध्यम से, या तो अगर इनविटेशन कार्ड अगर नहीं है तो दोस्तों एक बढ़िया तरीके से उनको एक इज्जत के साथ में, उनको एक सम्मान के साथ में इनवाइट करना है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इनवाइट करते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना है और किस तरीके से आपने इनवाइट करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं लर्न हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट, आप अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे इनवाइट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर द नाइट करना है। दोस्तों आप किसी को भी इनवाइट करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले उन्हें क्लियर द नाइट करना है। क्लियर द नाइट यानी कि उनसे आपने पूछना है, जैसे कि आपको और हमको पता है कल हमारा 10:45 को प्लान होने जा रहा है, जूम प्लान होने जा रहा है, तो उनसे आपने ये कंफर्म करना है कि संडे को आप 10:30 से लेके 11:30 तक क्या आप फ्री है। ये होता है क्लियर द नाइट। अगर आप उनसे ये पूछते हैं तो इसमें दो ही चीज हो सकता है, या तो सामने वाला बोलेगा हाँ मैं फ्री हूँ, या तो सामने वाला बोलेगा कि नहीं मैं बिजी हूँ। अगर सामने वाला बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ तो ही उन्हें आगे की इंफॉर्मेशन आपने देनी है। अगर सामने वाला बोलता है कि नहीं मैं बिजी हूँ, उस समय आपने क्या बताना है, चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया जानकारी, एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन मैं आपको देने के लिए आया था, लेकिन कोई बात नहीं आप बिजी हो, अगर ऊपर वाले की मेहरबानी होगी, अगर ऊपर वाले की इजाजत होगी तो फिर कभी दोबारा मिलेंगे। इतना बोल के आपने वहां से निकल लेना है। और यहाँ पे क्या यूज इनविटेशन टूल्स, जब सामने वाला आपको ये बोलता है कि मैं हाँ फ्री हूं, क्यों क्या बात है, उस समय दोस्तों इनविटेशन टूल्स का इस्तेमाल करना है। अभी हमारे और आपके लिए इनविटेशन टूल्स क्या है, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा और आपका वेन्यू नहीं चल रहा है, तो दोस्तों हमारा और आपका प्लान ऑनलाइन जूम के अंदर हो रहा है, तो दोस्तों हमारा और आपके इनविटेशन टूल्स है हमारा जूम का लिंक। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि अगर आप कंफर्म करते हैं कि अगर आप फ्री है तो मैं आपको एक ऐसा लिंक प्रोवाइड करने जा रहा हूं जिसके माध्यम से हमारी एक ऑनलाइन एक इंफॉर्मेशन होने जा रही है, ऑनलाइन आपको एक जानकारी मिलने जा रही है, उस लिंक के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस जानकारी को ले सकते हैं। इस तरीके से आप जूम लिंक को इनविटेशन टूल्स के माध्यम से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी समय आपने उनको ये बताना है कि ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के लिए आपके फोन में एक ऐप होना बहुत ही जरूरी है, उस ऐप का नाम है जूम। तो आपने क्या करना है, जरूर उनके फोन पे जूम ऐप डाउनलोड कराना है, क्योंकि दोस्तों हम इनवाइट तो कर लेते हैं, उनको लिंक भी दे देते हैं, लेकिन अगर उनके फोन में जूम ऐप नहीं है तो वो कहीं ना कहीं इस प्लान को वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो उनके फोन में आप जरूर जूम ऐप डाउनलोड आपने कराना है। दूसरी चीज आप नीचे देख सकते हैं, द क्रक्स ऑफ इनविटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट, यानी कि दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता इनवाइट करते वक्त आप क्या बोल रहे, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे बोल रहे, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है या लो है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो सामने वाला आपको अपना आधा घंटा या 45 मिनट देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है तो सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे, फर्क इस बात से पड़ता है आप कैसे बोल रहे। इसको लेके मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस को लेके। आप किसी को भी इस बिजनेस में इनवाइट करने के लिए जा रहे, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ मुझे देने के लिए आया है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मुझसे कुछ लेने के लिए आया है। अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा तो उसको ये फील होगा कि हाँ ये मेरे लिए आया है, मेरी भलाई के लिए आया है और मुझे कुछ देने के लिए आया है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए इनविटेशन को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा और इनविटेशन पे आप हमेशा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोगों को इनवाइट करेंगे। एक बार क्या हुआ, आप सारे लोग चूहे को तो आप लोग जानते होंगे, सारे लोग जानते हैं चूहे, सभी ने देखा भी होगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ, चूहा अपने रास्ते से जा रही थी और जाते जाते उसकी नजर सामने से एक शेरनी के ऊपर पड़ती है। जैसे उसकी नजर शेरनी के ऊपर पड़ती है तो वो उसको शेरनी से प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है, शेरनी से प्यार हो जाता है और वो सामने इधर उधर देखती है तो एक गुलाब का पेड़ उसे नजर आता है, गुलाब का पौधा उसे नजर आता है। तो उस पौधे से वो एक गुलाब का फूल तोड़ती है, तोड़ता है और तोड़ने के बाद में शेरनी के सामने वो गुलाब का फूल रख देता है। तो शेरनी जब उस शेरनी की नजर जब उस चूहे पे पड़ती है तो शेरनी बोलती है, अबे चूहे तेरी औकात भूल गया है क्या, चूहे तेरी औकात भूल गया है क्या। ये शायरी में कुछ इस तरीके से होता है, चूहे के हाथ में रोज शेरनी को कर दिया प्रपोज। शेरनी कुछ गुस्से से बोली, अबे चूहे तेरी औकात भूल गया है क्या, अपनी औकात देख। तो चूहा बोलता है, औकात को मार गोली, कॉन्फिडेंस देख कॉन्फिडेंस। थैंक यू। तो दोस्तों ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे और आपके पास में होना चाहिए। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप किसी को इनवाइट करेंगे तो वो तो क्या उसका पूरा परिवार आपके साथ में प्लान देखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आगे और हम देखते हैं हाउ टू इनवाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिर हम और आप इनवाइट करें तो कैसे करें। लोग इनवाइट करने के लिए जाते हैं, आपको कुछ किस्म के लोग मिलते हैं, कैटेगरी। सबसे पहले आपको कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं, आपको कुछ जॉब पर्सन मिलते हैं जो ऑलरेडी पहले से कुछ जॉब कर रहे हैं, आपको कुछ हाउसवाइफ मिलते हैं और आपको कुछ रिटायर पर्सन मिलते हैं। तो आप इनवाइट कैसे करेंगे। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आपने एक चीज नोटिस करना है, आपने एक चीज ख्याल करना है, आप जिसको भी इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं, सामने वाले की नीड क्या है, सामने वाले को किस चीज में इंटरेस्ट है, आखिर सामने वाला चाहता क्या है। अगर आप उस टॉपिक पे अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो दोस्तों सामने वाला आपसे इंटरेस्टेड होके सामने वाला आपकी बातों को सुनना चाहेगा। लेकिन अगर आप सामने वाले की इंटरेस्ट पे अगर बात नहीं करेंगे तो सामने वाला आपको नहीं सुनेगा। तो हमेशा सामने वाले की नीड को देख के आप जरूर सामने वाले की नीड को देख के आप बात कीजिए। यानी कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट से अगर आप बात करते हैं तो स्टूडेंट की बेसिक नीड क्या होती है, स्टूडेंट को चाहिए होता है पॉकेट मनी। तो स्टूडेंट को आप कैसे इनवाइट करेंगे। सपोज मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट के पास में गए उसे इनवाइट करने के लिए, तो सबसे पहले तो उन्हें आप हाल खबर पूछ लीजिए कि और आप कैसे हैं, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है ना, घर में सब कैसे, मम्मी पापा कैसे हैं। आपने सब उनसे अपना हाल खबर पूछ लिया और हाल खबर पूछने के बाद में अगला आपने क्लियर द नाइट करना, उनसे आप पूछिए कि अच्छा आप ये बताइए कि आप संडे को 10:30 से 11:30 के बीच में क्या फ्री है। जब आप उनसे ये सवाल पूछते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या बोलेगा, हाँ मैं तो फ्री हूँ, क्यों क्या बात है। तो उनको बोलना बधाई हो आपको आप फ्री है क्योंकि मैं आपके लिए एक बेहतरीन इतनी बढ़िया जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि इसी संडे को ऑनलाइन जूम पैनल के थ्रू से एक ऑनलाइन मीटिंग होने जा रही है, एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दिया जाने वाला है। उस इंफॉर्मेशन को अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को करते हुए
अपने पढ़ाई को करते हुए कैसे अपनी पॉकेट मनी खुद अर्न करें, अपनी पॉकेट मनी खुद अर्न करें, यानी कि लर्निंग के साथ साथ कैसे अर्निंग करें और साथ ही साथ अपना कैरियर कैसे बनाएं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल रही है। और उस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर पूरे हिंदुस्तान से ढेर सारे लोग उस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। और अगर आप मुझे कंफर्मेशन करते हैं कि आप उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, तो उस मीटिंग को अटेंड करने का मैं आपको लिंक दूंगा और उस लिंक के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उस मीटिंग को, उस जानकारी को आप ले पाएंगे। और मुझे पक्का यकीन है उस जानकारी को लेने के बाद में आपको ढेर सारा फायदा, आपको ढेर सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्या आप कंफर्म करेंगे? तो सामने वाला जब कंफर्म करता है तो ही उनके फोन पे आपने जूम ऐप डाउनलोड कराना है और उनको लिंक प्रोवाइड कराना है। और लास्ट में उनसे और एक सवाल पूछना है कि आप खुद जूम मीटिंग पे बैठेंगे, क्योंकि मैं भी इस मीटिंग पे, मैं भी इस जानकारी को लेने वाला हूँ, आप खुद बैठेंगे कि मैं भी आपके पास आऊं कि हम लोग मिलके एक साथ बैठ के इस जानकारी को लेंगे। तो आप ये उन्हें जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप करेंगे तो दोस्तों, अगर आप उनके घर पे जाके उनके साथ में अटेंड करेंगे तो उनका फुल्ली कंफर्म हो जाता है। आगे देखते हैं, जॉब पर्सन जो ऑलरेडी एक जॉब में है, उनको आप कैसे इन्वाइट करेंगे? एक जॉब में जो इंसान होता है उसको क्या चाहिए होता है? उसके दिमाग में और एक चीज होती है, मेरे पास में और एक्स्ट्रा इनकम कैसे आए। तो जॉब पर्सन को भी सबसे पहले वही, आपने हाल खबर पूछा, उनसे हाल चाल पूछा, उनके परिवार के बारे में पूछा, उसके बाद में क्लियर द नाइट, आप संडे को क्या कर रहे। तो उन्होंने, अगर वो बोलते कि फ्री हूं, तो उसके बाद में उनको बोलना बधाई हो आपको, कंग्रेचुलेशन, क्योंकि संडे को एक ऐसे जानकारी मिलने वाली है। जितने भी जॉब वाले लोग हैं, जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए इतनी बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता है सर कि एक टांग पे इंसान ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता है। अगर हमें ज्यादा देर तक खड़ा होना है तो दो टांग की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से एक ऐसी जानकारी मेरे पास में है, अगर आप कंफर्म करेंगे उस जानकारी को, अगर आप लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने जॉब को करते हुए एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं, अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलने वाला है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको ऑनलाइन मिलेगा और पूरे हिंदुस्तान से ढेर सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। और अगर आप कंफर्म करते हैं तो ही मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। तो ऐसा अगर आप बोलते हैं, तो जॉब पर्सन को हमेशा दिमाग में एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है, तो आपके साथ में एग्री हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। तीसरा होता है हाउसवाइफ। हाउसवाइफ को क्या चाहिए? एक्स्ट्रा इनकम, नेम और फेम। आप हाउसवाइफ को आप ये बता सकते हैं कि आप अपने घर को संभालते हुए, अपने फैमिली को संभालते हुए, अपने पूरे घर को देखते हुए, आपको वो जानकारी को लेने के बाद में ये पता चलेगा कि एक हाउसवाइफ कैसे एक्स्ट्रा इनकम कर सकती है, साथ ही साथ अपना नाम, अपना पहचान वो कैसे बना सकती है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाला है। आप इस तरीके से आप हाउसवाइफ को आप बता सकते हैं। और लास्ट में आता है रिटायर पर्सन, जो रिटायर हो चुके हैं उनको आप बता सकते हैं कैसी बढ़िया जानकारी है मेरे पास, जिसको लेने के बाद में आपको पता चलेगा कि एक रिटायर्ड पर्सन दोबारा रिट्राई कैसे कर सकता है। और उस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर ऐसे सैकड़ों लोग आने वाले हैं जो ऑलरेडी रिटायर है, और वो लोग मिलके ये जानकारी को लेने वाले हैं। और चौथा मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, जो ऑलरेडी बिजनेस लाइन के अंदर है, जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको आप बता सकते हैं, एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बिजनेस आप कर रहे हैं, तो उस जानकारी के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं आप उसे और बेहतरीन ढंग से कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सामने वाले को की नीड को देख के आप इनवाइट कीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप इनवाइट करेंगे तो यकीनन सामने वाला आपकी इनविटेशन को एक्सेप्ट जरूर करेगा।
और यहाँ पे मैंने जो एक फॉर्मूला आपको बताया कि उनको आप ये जरूर बताइए कि आप खुद आएंगे उनके घर पे प्लान देखने के लिए या खुद वो अटेंड करेंगे, ये चीज उनको जरूर बताना। क्योंकि दोस्तों ये चीज अगर आप करेंगे तो आपका प्लान कंफर्म होगा। क्योंकि दोस्तों जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं, सारी चीजें बताते हैं, फिर भी अगर आप उनके घर पे जाके आप खुद उनके साथ में अगर प्लान अटेंड करते हैं तो सामने वाले का 100% कंफर्म होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से करना है। और दोस्तों मैंने आपको ये जो बात बताया, सामने वाले की नीड को देख के बात करना है। जब आप सामने वाले की नीड को देख के बात करते हैं तो दोस्तों सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इनवाइट कीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इनवाइट कीजिए। और इनविटेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे ही करना, आप जैसे भी करो, लेकिन सामने वाला उस जूम मीटिंग को उस प्लान पे होना चाहिए। आपके इनविटेशन पे इतनी दमदारी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके प्लान को अटेंड करे। तो आगे देखते हैं कुछ टेक्निक्स है जिसके माध्यम से आप लोगों को जूम पे इनवाइट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कभी भी एक चीज याद करना दोस्तों, इनवाइट करने से पहले आपके पास में लोगों की लिस्ट होना जरूरी है। और मैंने अक्सर देखा है लोग इनवाइट तो करते हैं, या तो वो दो लोगों को इनवाइट करते हैं या तो एक लोगों को इनवाइट करते हैं, तो कोई भी नहीं आता। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़े तो एक ही फॉर्मूला है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करें, कम से कम 20 लोगों को। ये क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप 20 लोगों को इनवाइट करेंगे तो कम से कम 5 लोग आपके प्लान को जरूर अटेंड करेंगे। तो कम से कम आपके पास में 20 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद में लिस्ट निकालने के बाद में उनको आप कॉल कीजिए। आप कॉल करने से अच्छा है आप उनके घर पे जाइए और उनको इनवाइट कीजिए। जो दूर है, जो आपके शहर पे नहीं रहते, आउट ऑफ टाउन रहते या तो आउट ऑफ स्टेट रहते, उनको आप कॉल कीजिए। उसके अलावा क्लियर द नाइट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनको क्लियर द नाइट करना है कि वो फ्री है या नहीं। उसके बाद में इनवाइट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट प्रोफेशन, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको आप इनवाइट कीजिए। उसके बाद में डाउनलोड जूम ऐप इन प्रोस्पेक्ट डिवाइस, उनके डिवाइस के अंदर जूम ऐप डाउनलोड कराइए। उसके बाद में सेंड द लिंक, उनको लिंक आप भेजिए। उसके बाद में आज देयर डिवाइस नेम सो यू कैन चेक देम इन मीटिंग। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा अपने गेस्ट का डिवाइस नेम आप जरूर पता कर ले, ताकि आप उन्हें लगातार मीटिंग में आप उन्हें चेक कर पाए कि आपका गेस्ट मीटिंग के अंदर है या नहीं। तो हमेशा उनका डिवाइस नेम जरूर पूछना है आपने। उसके अलावा आप देखिए ड्रेस कोड, सामने वाले को आपके गेस्ट को ड्रेस कोड के बारे में जरूर बताइए कि सर या मैम उस मीटिंग के अंदर ढेर सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोफेशन के लोग उस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं, तो आप एक बढ़िया ड्रेस कोड, फॉर्मल ड्रेस कोड पहन के उस मीटिंग को अटेंड कीजिए। आगे देखते हैं रिमाइंडर फॉर मीटिंग बिफोर 1 आवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने इनवाइट तो कर लिया, सारी चीजें कर ली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, हो सकता है कल तक वो सामने वाला भूल जाए, तो हमेशा प्लान से 1 घंटा पहले उनको एक रिमाइंडर कॉल आपने जरूर करना है 1 घंटा पहले। इसके अलावा आप देखते हैं डोंट्स, क्या क्या नहीं करना है इनवाइट करते समय। सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के बारे में नहीं बताना है। आपने देखा होगा मैंने जितना भी डेमो करके बताया, मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए, मैंने कहीं पर भी कंपनी का नाम नहीं लिया, क्योंकि लोगों को कंपनी के नाम से चिढ़ है। तो कभी भी कंपनी का नाम नहीं लेना है। दूसरा नेचर ऑफ वर्क, काम क्या है, काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानकारी लेना है, सिर्फ जानकारी लेना है और ये पता करना है कि आज के डेट में डिजिटली वर्क करके कैसे पैसा कमाया जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं वो दो जुड़ाने वाला काम तो नहीं है क्या, दो जुड़ाने वाला काम तो नहीं है। तो उनको अगर कोई ऐसा सवाल करता है तो उस समय हमारा मुंह बंद हो जाता है। तो उस समय मुंह बंद नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, कोई अगर ये सवाल अगर आपसे पूछता है तो उनसे आपने उल्टा सवाल पूछना, उनको जवाब देने की कोशिश मत करना। वो पूछता है दो जुड़ाने वाला काम नहीं है, काम तो नहीं है, तो उनको बोलना सर ये दो जुड़ाने वाला काम ये कैसा होता है सर, उनसे आप उल्टा सवाल पूछना। समझ में आ रहा है?
उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लगेगा? पैसा कुछ भी नहीं लगेगा, केवल जानकारी लेनी है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप जरूर बताइए उनको। डिस्कशन ऑन पब्लिक प्लेसेस, भीड़ भाड़ के इलाके में जाके डिस्कस नहीं करना है। डिस्कस क्यों नहीं करना है? क्योंकि दोस्तों कुछ लोग केकड़े जैसे होते हैं, आप समझते हैं, क्रैप केकड़े जैसे होते हैं, वो ना खुद आगे बढ़ते हैं ना वो लोगों को आगे बढ़ने देते हैं। तो इसीलिए आपने पब्लिक प्लेस पे डिस्कस नहीं करना है। अगर आप 10-12 लोगों की भीड़ में जाके अगर इसके बारे में बताएंगे तो हो सकता है उन 10 में से एक आदमी नेगेटिव हो और आपके जाने के बाद में वो सारे के सारे लोगों को नेगेटिव कर देगा। क्योंकि दोस्तों अगर एक बोरी आलू में एक सड़ा हुआ आलू अगर आप डाल देंगे तो पूरी की पूरी बोरी आलू की सड़ सकती है। तो हमेशा इंडिविजुअल आप एक एक करके लोगों को इनवाइट कीजिए। आगे देखिए, इनवाइट इन हरी डिली, जल्दबाजी में इनवाइट ना करें। आप किसी को फोन किया और आपने इनवाइट करना शुरू कर दिया, हो सकता है सामने वाला अपने काम पे बिजी है, पहले आप उनसे टाइम ले लीजिए कि आप 5 मिनट के लिए फ्री है, या तो 2 मिनट के लिए आप फ्री है, 2 मिनट के लिए क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आप पहले उनसे समय ले लीजिए, जल्दबाजी में इन्वाइट ना कीजिए। इसके अलावा सेंड द लिंक विदाउट डाउनलोडिंग जूम ऐप। हम क्या करते हैं, इनवाइट कर दिया, सारी चीज कर ली और लिंक भेज दिया, सामने वाले को जूम ऐप ही डाउनलोड नहीं कराया, तो क्या फायदा आप बताइए, उस क्या उस लिंक से वो मीटिंग अटेंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो मीटिंग तब अटेंड कर पाएगा जब आप उनको जूम ऐप डाउनलोड कराएंगे या उनको जानकारी देंगे कि आप जूम ऐप डाउनलोड कीजिए। तो पहले लिंक भेजने से पहले उनका जूम ऐप डाउनलोड कराना है, उसके बाद में शेयरिंग मीटिंग लिंक इन सोशल नेटवर्क। अक्सर दोस्तों मैं देखता हूँ लोगों को जैसे प्लान का लिंक मिलता है वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ये लिंक शेयर करना शुरू करते हैं। दोस्तों कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, इसको मूंगफली के तरीके से मत बेचिए, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इस लिंक की वजह से किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो दोस्तों आप इसको ऐसे ही शेयर ना कीजिए। ये लिंक आपके लिए है, और जो इंसान, जो प्रोस्पेक्ट, जो गेस्ट कंफर्मेशन देता है, आप उन्हीं को स्पेशली ये लिंक आप भेजिए। इसको स्टेटस पे मत रखिए, इसको फेसबुक पे शेयर ना करें, क्योंकि आपने तो शेयर कर दिया, हो सकता है कुछ लोगों ने अटेंड भी कर लिया, आपको पता भी नहीं चला और वो किसी और के साथ में जुड़ गए, आपको कोई फायदा, कोई बेनिफिट? और ऐसे ही जो चीज फ्री में मिलता है, जो ऐसे ही दिख रहा है नेट पे, तो ज्यादातर तो लोग उसको अटेंड करने वाले नहीं है। आप पहले लोगों से आप बात कीजिए, उनसे टाइम लीजिए, तब जाके आप इस लिंक को दीजिए, क्योंकि ये लिंक बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप इसे ऐसे बांटेंगे तो इसकी वैल्यू को आप कहीं ना कहीं घटा रहे, तो इस चीज को हमेशा आपने नोटिस करना है, ऐसे इसको शेयर नहीं करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज इन एक्शन। दोस्तों हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जो इंसान व्यापार करता है उसको पता है, अगर मेरे दुकान पे अगर 100 लोग आते हैं, तो अगर वो 100 लोग आएंगे तो 100 में से 20 लोग मेरा सामान जरूर खरीदेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से बिजनेस में भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बोला 20 कॉन्टैक्ट, क्यों? अगर आप 20 कॉन्टैक्ट करेंगे तो मिनिमम 3 प्रेजेंटेशन होगा, और अगर 3 प्रेजेंटेशन होगा तो एक सेल आएगी तो वो 200 बीबी का होगा, यानी कि द मोर यू इनवाइट द मोर सेल्स यू गेट, यानी कि जितना ज्यादा आप इनवाइट करेंगे उतना ज्यादा आपको सेल्स मिलने वाला है। देयर इज अ लॉ ऑफ एवरेज, द मोर यू शूट द बेटर चांस यू हैव द विनिंग द गेम, यानी कि आप जितनी बार शूट करेंगे आपकी उतनी ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है गेम को जीतने का। क्योंकि दोस्तों इस चीज को देख के मुझे एक चीज जरूर याद आती है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों एक खिलाड़ी था, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया था, क्या लिया था? सबसे ज्यादा विकेट लिया था और सबसे ज्यादा बार लोगों को आउट किया था, और उनको अवार्ड मिला, सारी चीजें हुई, और उनको जब अवार्ड मिल रहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो उनको ये पूछा गया, सर आपके जैसे बॉलर और भी ढेर सारे हैं इस विश्व के अंदर, आप जो गेंदबाज करते हैं, आप जो क्रिकेट खेलते हैं, आपके जैसे बॉलर इस वर्ल्ड के अंदर ढेर सारे बॉलर हैं,
लेकिन सर ये अवार्ड आप ही को क्यों मिल रहा है? आप ही ने इतने ज्यादा विकेट आप कैसे ले पाए सर? सबसे ज्यादा विकेट आपने कैसे अचीव किया सर? क्या खास बात है सर? आप थोड़ा सा अपने सीक्रेट के बारे में सर आप बताएंगे सर, आपने इतने ज्यादा विकेट कैसे लिए और बाकी लोग इतने ज्यादा विकेट नहीं ले पाए, आपने कैसे लिया सर? तो उनका जवाब एक सीधे से लाइन पे था और सीधा सा उनका जवाब था, मैंने इतने ज्यादा विकेट में इसलिए ले पाया क्योंकि सबसे ज्यादा गेंद मैंने ही फेंका। क्या? सबसे ज्यादा गेंद मैंने ही फेंका, इसीलिए सबसे ज्यादा विकेट भी मुझे ही मिला। तो दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपने बड़ा काम करना है, इस बिजनेस में अगर आपने तेजी से सक्सेस होना है, तो दोस्तों आपने सबसे ज्यादा इन्वाइट करना पड़ेगा। और दोस्तों आज सैटरडे है, इनविटेशन का दिन है दोस्तों, इनविटेशन को आंदोलन बनाओ। जो भी आपको मिलता है आप सीधा सामने वाले को आप इनवाइट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इनवाइट कीजिए। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करेंगे तो दोस्तों जरूर आपके ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान देखेंगे, और लोग ज्यादा से ज्यादा प्लान देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल निकलेगी और आपका ज्यादा से ज्यादा चेक भी बनेगा। तो लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा याद करना है। इसके अलावा दोस्तों द 4 वीक चैलेंज जो अभी हमारा टारगेट चल रहा है, कंपनी इतनी बढ़िया है जो 3 सितंबर तक कंपनी ने टारगेट दिया था, लेकिन दोस्तों उस टारगेट को अभी बढ़ा के दोस्तों अभी हमारा तकरीबन 31 सितंबर तक ये टारगेट कर दिया गया है। और आपके पास में समय है, यहाँ पे क्या है, जो लोग जिनकी ज्वाइनिंग 1 अगस्त 2019 के बाद की ज्वाइनिंग है, अगर वो फ्रेशर है, अगर वो अपने साइट पे सिल्वर बन जाते हैं तो उनको टैब मिलेगा। जो सिल्वर है, सिल्वर की ज्वाइनिंग अगर आपकी 2017 की है फिर भी चलेगी, अगर सिल्वर अगर आप बनने सिल्वर आप है और अगर आप गोल्ड बनते तो आपको लैपटॉप मिलेगा, और अगर आप गोल्ड है और अगर आप पर्ल्ड बनते हैं तो आपको लैपटॉप के साथ साथ मल्टीमीडिया किट मिलेगा। दोस्तों ये टारगेट चल रहा है, अपने लेवल को चेंज करके दिखाइए और ये कंपनी ये सारी गिफ्ट आपको देने के लिए तैयार है, बस लेने का दम आपके पास में होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों ये टारगेट के लिए जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये टारगेट भी क्वालिफाई होगा। अभी हमारा एम्स्टर्डम एंड इटली का टारगेट चल रहा है, आप देख सकते हैं अगर आप उस टारगेट को क्वालिफाई करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेशर के लिए, मैं फ्रेशर की बात करूंगा, अगर फ्रेशर के लिए लेफ्ट में 5120 BB, राइट में 5120 BB होता है तो आपको स्मार्टफोन मिलता है या आप फ्री में गोवा जा सकते हैं, गोवा टूर आपको मिलेगा। अगर आप 7680 BB लेफ्ट में, 7680 BB राइट में करते हैं तो आपको विदेश थाईलैंड जाने का मौका मिलेगा। और अगर आप 18000 BB लेफ्ट में और 18000 BB राइट में करते हैं तो आपको इटली और एम्स्टर्डम जाने का मौका मिलेगा। और ये ऑफर 14 अक्टूबर तक है। तो दोस्तों दम लगाइए, काम कीजिए और टारगेट क्वालिफाई करके दिखाइए, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इनवाइट कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, यहाँ पर आके मेरा ये सेशन कंप्लीट होता है। और इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, आप सारे लोगों ने मुझे इतना पेशेंसफुली होके मुझे सुना, और दोस्तों सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो भी बात मैंने आपको बताया, अगर कोई भी चीज अगर आपको बुरा लगा है तो दोस्तों वो सिस्टम की तरफ से नहीं था, वो मेरी तरफ से था, छोटा भाई बेटा कुछ भी समझ के मुझे माफ कर देना। लेकिन जो भी चीज अच्छा लगा है दोस्तों, उसे मुट्ठी बांध के उसे कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने गेस्ट को इस पैनल तक लेके आइए। तो इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जीवन सर, आपने इतने शानदार सेशन दिया।